अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 27 पावर एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 729 पावर एक्स होल स्क्वायर रूट। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स हो एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 एंड होल पावर एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 729 पावर एक्स एंड स्क्वेयर रूट को लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो, एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी, मतलब यह है कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पर यह हो जाएगा 3 पावर, एक पावर ये है 3, दूसरा पावर एक्स अंडर रूट है, तो दोनों प्रोडक्ट करके 3 एंड एक्स अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू 729। ये एक्स है पावर, दूसरा पावर 1/2 है, ये भी प्रोडक्ट करके एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 पावर 3 एंड एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 729, इनकी जगह लिख लेते हैं 3 पावर 6 एंड होल पावर एक्स बाई 2। फिर इस रूल के मुताबिक दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 एंड एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 3 पावर, ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके 2 1 2 2 3 6, तो 3 पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, यानी अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर सेम बेसिस हैं, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, डिफरेंट पावर हैं, बीच में इक्वलिटी भी है, तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाएंगे 3 एंड एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब लेते हैं बोथ साइड स्क्वायर, इस साइड से स्क्वायर तो फिर इस साइड से भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर है तो 9 हो जाएगा, और साथ में एक्स अंडर रूट के ऊपर भी है इज इक्वल टू, स्क्वायर 3 के ऊपर है तो 9 हो जाएगा, एक्स के ऊपर है तो एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू यहाँ पर 9x स्क्वायर। ठीक है, तो इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 9x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर जस्ट x रह जाएगा माइनस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तो भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो लिख लेते हैं कि 9x इज इक्वल टू 0, और दूसरा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 9x इज इक्वल टू 0 है, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर डिवाइड बाय नाइन ये कैंसल आउट, एक्स इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हमारा ये हुआ जिसको x1 का नाम देते हैं, और दूसरा है x-1 इज इक्वल टू 0, तो -1 उस साइड पर जाकर यह हो जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, तो इनको x2 का नाम देते हैं। सो ये आ गए हमारे पास दो रिजल्ट, x1 एंड x2। अब अगर
इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स की जगह जीरो एंड वन पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो पहले एक्स वन इक्वल टू जीरो इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। सो एक्स की जगह पुट करना है जीरो, सो 27 पावर एक्स अंडर रूट, तो ये जीरो अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू 729 पावर एक्स की जगह जीरो होल स्क्वायर रूट। तो हम जानते हैं कि 27 जीरो अंडर रूट इक्वल होता है जीरो का, इज इक्वल टू और एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होता है, साथ में स्क्वायर रूट भी है। ये भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज का पावर जीरो हो, ठीक है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 और 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हाँ तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन इज इक्वल टू जीरो ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब चेक कर लेते हैं 8 एक्स टू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 27 पावर एक्स अंडर रूट, तो ये 1 अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू 729 पावर एक्स, तो यहाँ पर 1 होल स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू और 729 का स्क्वायर रूट, ये भी इक्वल होता है 27 का। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टू इज इक्वल टू 1 ये रिजल्ट भी 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।